देश दिन भर की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे अर्जेंटीना की एक खबर से। जी हां, अर्जेंटीना की एक खबर विजुअल आया जिसमें एक कार ने एक महिला और उसकी बच्ची को टक्कर मार दी। महिला बोनेट पर काफी देर तक घिसटते हुए दिखाई गई। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर आपको एक तेज रफ्तार कार चलती नजर आ रही होगी। आगे आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। कार इतनी तेजी से आ रही है, जो भी उसके सामने आ रहे हैं उसे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती दिख रही है। देखिए, अचानक एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पर गुजर रही है, तभी वो कार दोनों को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मासूम बच्ची हवा में उछल गई। छोटी सी चीज जिसे आप कार के ऊपर हवा में देख रहे हैं वो बच्ची ही है। अब महिला को देखिए, वो कार के बोनट पर घसीटती हुई जा रही है। आगे जाकर महिला गिर जाती है, तभी एक पार्किंग में आकर कार की रफ्तार भी कम हो जाती है। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो अर्जेंटीना का है जहां कार ने सड़क पर जमकर कोहराम मचाया। बताया जा रहा है कि इस कार में चार लोग सवार थे जिनका पुलिस पीछा कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए चोर बड़ी तेज रफ्तार से कार को दौड़ा रहे थे। हालांकि बाद में पुलिस ने इन सभी लोगों को दबोच लिया। वहीं इसे चमत्कार ही कहा जाएगा, हादसे में महिला और बच्ची की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। अर्जेंटीना के बाद रुक करेंगे मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन का, जहां पर शफीउद्दीन अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आए थे ट्रेन पर सवार होने के लिए। पत्नी बच्ची को उन्होंने ट्रेन पर चढ़ा दिया। दो बैग हाथ में थे, वो भी उन्होंने अंदर रख दिए, लेकिन प्लेटफॉर्म को वो नहीं देख पाए और एक दर्दनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें एक रेलवे स्टेशन की है। देखिए, लोकल ट्रेन रुकी हुई है और यात्री उसमें चढ़ रहे हैं। आगे देखिए, एक शख्स दोनों हाथों में सामान लिए ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ परिवार की दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं। धीरे धीरे लोकल चलने लगती है। इसी दौरान वो दोनों महिलाओं को ट्रेन में चढ़ा देता है और बाद में सामान लिए वो चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और ट्रेन से नीचे गिर जाता है। एक बार फिर पूरा वीडियो देखिए। दरअसल घटना मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की है। शफीउद्दीन दादर स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अपनी पत्नी और बेटी के साथ कल्याण जा रहे थे, लेकिन ट्रेन पकड़ने के दौरान यह हादसा हो गया। सीसीटीवी में अगर आप गौर से देखें तो अपनी बेटी और बीवी को ट्रेन में चढ़ाने के बाद शफीउद्दीन जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी वाइट शर्ट में दिख रहा ये शख्स पीछे से ट्रेन में चढ़ता है और दरवाजे पर खड़ा रहता है। जब तक वो वहां से हटता और ट्रेन के खंभे को पकड़ शफीउद्दीन अंदर जाते, तब तक स्टेशन खत्म हो चुका था और शफीउद्दीन का हाथ फिसल गया, जिससे वो स्टेशन और ट्रेन के बीच मौजूद गैप में चले गए और उनकी मौत हो गई। अभी हाल ही में मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां एक महिला चलती एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के दौरान अपने ही बेटे से लगे धक्के के कारण स्टेशन और ट्रेन के बीच गैप में चली गई और उसकी मौत हो गई थी। बेहद दर्दनाक तस्वीरें, लेकिन अब रुक करेंगे अमृतसर का, जहां पे एक मोबाइल शॉप में तीन नकाबपोश घुसे, लेकिन दुकानदार की हिम्मत के आगे जवाब मांग गए। सीसीटीवी कैमरे की इस तस्वीर को देखिए। ये एक मोबाइल की दुकान है जहां दुकान मालिक काम करने में व्यस्त है। वक्त रात के करीब 9 बजे का है, तभी इस दुकान में तीन नकाबपोश आते हैं। तीनों के हाथों में हथियार है। आते ही अचानक दुकान में लूटपाट शुरू हो जाती है। दुकानदार इसका विरोध करता है तो उस पर तीनों बदमाश हमला कर देते हैं, लेकिन दुकानदार की हिम्मत तो देखिए, वो बदमाशों का डटकर मुकाबला करता है। इस दौरान एक बदमाश पिस्टल भी तान देता है, बावजूद इसके वो डरता नहीं है। विरोध होते देख तीनों बदमाश भाग खड़े होते हैं। मामला अमृतसर के टांगरा गांव का है। अमरजीत सिंह दुकान बंद करने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी ये तीन नकाबपोश लुटेरे उसकी दुकान में आते हैं और लूटपाट की कोशिश करते हैं। हालांकि विरोध के दौरान लुटेरे अमरजीत के हाथ पर तेजधार हथियार से हमला जरूर करते हैं, जिससे उसका हाथ टूट गया। इस दौरान अमरजीत ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। हालांकि हैरानी की बात यह है कि दुकान के पास एक पुलिस चौकी भी बनी हुई थी। और अब खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के टूनी से, जहां पर कापू समुदाय की एक रैली हो रही थी, लेकिन वहां पर यह हादसा देखने को मिला। रत्नांचल एक्सप्रेस के 8 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया।
इस आगजनी के बाद प्रदर्शनकारियों ने टून स्टेशन पर भी आग लगा दी। दरअसल कापू समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले ये वायदा किया था कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कापू को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की सुविधा देंगे। इस आगजनी की वजह से विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच ट्रेन सेवा बाधित है। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां लोग चोरों से बहुत परेशान हैं और दासना गेट इलाके में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ये घटना सामने आई है जहां चोरों ने रात के वक्त घर के सामने से बाइक चुरा ली। हालांकि ये तस्वीरें वहां दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दो चोर आते हैं, फिर बाइक का ताला तोड़कर उसे बड़े ही चुपके से ले जाते हैं। हैरानी की बात यह कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर यह पूरी घटना हुई है। और अगर इधर दिल्ली का रुख करें और बात करें कि सफाई को लेकर, तो सफाई कर्मचारियों की एमसीडी की यानी अभी भी हड़ताल लगातार जारी है। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और अब कांग्रेस भी सड़क पर है, लेकिन वो इस बात को लेकर वो कर्मचारियों के समर्थन में दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री केजरीवाल, पीएम मोदी का पुतला फूका। दूसरी ओर सरकार के मंत्री, विधायक हड़ताल का समाधान खोजने के बजाय खुद ही झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई करने में जुट गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री कपिल मिश्रा, मंत्री सत्येंद्र जैन समेत विधानसभा स्पीकर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सफाई करते नजर आए। मनीष सिसोदिया के मुताबिक निगमों को पैसा दे दिया गया है। बीच का रास्ता नहीं है ना इसमें, अब पैसा दे दिया गया, जिन लोगों ने पैसा खाया है, जिन लोगों ने पैसा इधर से उधर बंगलिंग की है, वो लोग बताएं कि उस पैसे को निकाल के लाए वहाँ सड़क पर। बीजेपी ने इसे दिखावा करार दिया और सरकार से पूछा कि आखिर 5 दिन से सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। 5 दिन से दिल्ली में हालात है, आज इनको याद आया कि दिल्ली में सफाई होनी है? आज केजरीवाल साहब को ट्वीट करने का याद आया कि निगम के कर्मचारी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे? बहरहाल दिल्ली में कूड़े की राजनीति जारी है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। हालात ये हो गए हैं कि चारों तरफ फैली गंदगी से बीमारियों का खतरा सताने लगा है। और अब खबर राजनीतिक गलियारे से। पीटीआई ने रविवार को एक खबर जारी की, उसके मुताबिक यशवंत सिन्हा ने बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए हुए कहा कि उनकी सरकार का हश्र भी वही होगा जो आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी सरकार का हुआ था। हालांकि बाद में इस बयान से वो मुकर गए। समाचार एजेंसी पीटीआई की गोवा से आई एक खबर ने दिल्ली का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि सिर्फ अगले चुनाव का इंतजार कीजिए, भारत के लोग उन्हें भी धूल में पहुंचा देंगे। बीजेपी की कलह सामने आई तो कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया। ये उनके विचार है, वास्तविकता ये है कि नरेंद्र मोदी जी संवाद में विश्वास नहीं करते, वो किसी भी विषय पे चर्चा में विश्वास नहीं करते, वो एक तरफी बात करते हैं। मामले को तूल पकड़ता देख यशवंत सिन्हा मीडिया के सामने आए और सफाई में कहा कि पत्रकार ने उनकी बात को गलत तरीके से समझा। जिसने भी ये खबर दी है कि मैंने कहा कि मोदी सरकार का वही हश्र होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था, वो बिल्कुल गलत है, समझदारी से परे है। यशवंत सिन्हा ने अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि पहले भी पार्टी के वरिष्ठ नेता कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं और उनके बयान पार्टी के लिए अक्सर परेशानी का सबब बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के अपने पहले मन की बात कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को लेकर गुजरात और हरियाणा सरकार की तारीफ करी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करी कि किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात देश के शहीदों को याद करते हुए की। इस दौरान उन्होंने देश में खादी को बढ़ावा देने की वकालत की, जिससे देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में गुजरात और हरियाणा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस मुहिम का काफी असर हुआ है।
हरियाणा और गुजरात ने बेटी को महात्म्य दिया, पढ़ी लिखी बेटी को विशेष महात्म्य दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका एक उत्तम संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया। मैं दोनों राज्यों की इस कल्पना शक्ति को बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदा से किसानों की हो रही फसलों को लेकर सलाह दी कि वो फसल बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। पीएम ने 10वीं और 12वीं के छात्र को सलाह दी कि वो तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे, साथ ही लोगों से इसके लिए सुझाव देने को कहा। आने वाले फरवरी महीने में, मार्च महीने में अपने मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें, ताकि देश भर के स्टूडेंट्स उसको पढ़ेंगे, टीवी पर देखेंगे और उनको भी चिंता मुक्त एग्जाम कैसे हो, तनाव मुक्त एग्जाम कैसे हो, हंसते खेलते एग्जाम कैसे दी जाए, इसकी जड़ी बूटी हाथ लग जाएगी। अगर आप मन की बात को कभी भी अपने फोन पर सुनना चाहते हैं, इसके लिए 8190881908 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। और दिल्ली के रियान स्कूल में 6 साल के बच्चे की सेप्टिक टैंक में गिरकर मौत हो गई, उसके बाद स्कूल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रियान स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांश का राजस्थान के दौसा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बच्चे की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। दिव्यांश की मौत के लिए उसके परिजनों ने स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार बताया। बच्चे के माता पिता ने सवाल उठाया कि कैसे 6 साल का बच्चा स्कूल के कोने में बने टैंक के पास चला गया और कैसे 20 किलो के वजन का ढक्कन उठाकर उसमें गिर गया। उनका कहना है कि प्रिंसिपल ने उनसे क्यों झूठ बोला कि बच्चे को केवल चोट लगी है। बच्चे के माता पिता अब CBI जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने स्टाफ कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। उधर T20 मैच में सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेला गया, उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से हरा दिया और सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। Hit away and that'll be a win, that'll be a boundary. Suresh Raina gets the winning runs for India. What a run chase that is. Unbelievable stuff from India. And what a knock from Suresh Raina. पहले जीत और फिर जश्न। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने सिडनी में ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज क्रिकेट जगत में लंबे समय तक सुनाई देगी। T20 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने आखिरी गेंद में बाजी मारी। दिस इज व्हाई यू प्ले द गेम टू विन द मैचेस फॉर योर टीम व्हेन इट्स नीडेड। सुरेश रैना के इस चौके ने कंगारू को न सिर्फ चित किया बल्कि घर में उसे पहली बार 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। अनबिलीवेबल स्टफ फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट अ नॉक फ्रॉम सुरेश रैना, नॉट आउट ऑन 49। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे, लेकिन पहले युवराज और फिर रैना ने इसे पार कर दिया। पहली गेंद पर युवराज सिंह ने चौका जमाया तो दूसरी गेंद पर छक्का। एक लेग बाई के साथ बारी सुरेश रैना की आई और T20 के धुरंधर बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर 2 जरूरी रन की जगह चौका जमाकर टीम को चैंपियन बना दिया। बाएं हाथ के इन जबाजों से पहले दाएं हाथ के दो हीरो ने 198 रनों के लक्ष्य को आसान बना दिया। Well, he picked it early, didn't he? At the moment, the kind of form Virat Kohli is in, he's probably picked it yesterday afternoon. पहले रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली ने अशतक जमाकर टीम को जीत की राह पर डाल दिया। I think his cover driving here in Australia has been absolutely top draw, 50 from 35 balls. इस जीत के साथ टीम इंडिया T20 रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गई है। सीरीज से पहले टीम इंडिया जहां 8वें पायदान पर थी, वहीं 3 जीत के बाद धोनी की सेना नंबर 1 बन गई। खास बात यह है कि टीम इंडिया टेस्ट में पहले से ही नंबर 1 है, यानी साल 2016 की शुरुआत जहां 4 हार से हुई थी, वहीं टीम इंडिया मौके पर जीत का चौका लगाकर क्रिकेट की किंग बन गई है। पुनीत शुक्ला, दिल्ली, IBN 7। देश दिन भर में आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।